हाथ मतलब मेरे भाई को। अरे यार तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना, तुम लोगों को मारने से फुर्सत मिले तब। जाने मन थोड़ा काम था तो सिटी से बाहर गए हुए थे, अभी थोड़ी देर पहले जस्ट घर में घुसे, इसलिए वीडियो लेट हो गया। तो प्लीज यार कमेंट सेक्शन में रोडीज रोडीज मत खेलना मेरे साथ आज। थक गया हूँ ब्रो, इंडिया के हर मैच के बाद ये बकचोदी सुन सुन के, हैशटैग फेक फील्डिंग, हैशटैग चीटिंग। चलो यार नो बॉल तक तो ठीक था, अब कल के मैच में हम लोगों ने क्या चीटिंग कर दी, बारिश भी हम ही ने करवा दी क्या ऊपर स्टेडियम से बाल्टियां डाल डाल के। अजीब पागल हो गए भाई, बोल रहे हैं बारिश के बाद खेल जल्दी कैसे शुरू हो गया। इनको लग रहा है आईसीसी को हमने पैसे दिए कि ये लो 150 रुपए आईसीसी वालों, अब हमें कीचड़ में खेलने दो। अब काले मेघा कितने भी पानी बरसाए मैच रुकना नहीं चाहिए। इनका कहना है कि एम्पायर कोहली की सुन रहा है, कोहली भाई बोलते हैं वाइड तो एम्पायर वाइड देता है, कोहली भाई बोलते हैं नो बॉल तो एम्पायर नो बॉल दे देता है। अभी तो एम्पायर को बोलो ना जाके इसमें कोहली भाई हमारी क्या गलती है। अब कोहली भाई कल को दोनों एम्पायर को बोलेंगे चलो चिकनी चमेली पर डांस करो और बोलो कर दिए तो गलती उनकी है ना भाई। अब मैं बोल दूं आमिर भाई को ये लो आमिर भाई 3.5 रुपए और एक नो बॉल डाल के दिखाओ तो क्या वो डाल, खैर यार ये आदमी तो डाल भी देगा। वैसे यार जब भी पाकिस्तान बोलता है ना कि मैच फिक्स है भाई मैं आधा कन्विंस हो जाता हूँ कि क्या पता भाई जो फिक्सिंग भी हो सकती है, क्योंकि इनसे बेटर नॉलेज किसको ही होगा फिक्सिंग का। पर यार एक ही वर्ल्ड कप में हम लोगों ने कितनी बार पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाने से बाहर कर दिया ना। पर पाकिस्तान वालों एक बार तुम जिम्बाब्वे से हार गए ना भाई कोई बात नहीं, पर ये क्या किया तुम लोगों ने आज, धोते जा। छी 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 बहुमा से रन खा लिए क्या बोलेगी दुनिया। टेम्बा बहुमा भाई को पता है कि रन कहाँ बना सकते हैं वहीं बनाए उन्होंने। वैसे यार सारे अनमोल रतन एक साथ ही फॉर्म में आए क्या, केएल राहुल भाई ने भी 50 मारी दी फाइनली, इतने खुश थे राहुल भाई मुंह देखो इनका, ऐसा लग रहा भाई फील्डिंग करते करते अभी खुशी के आंसू बहा के चले जाएंगे। खैर बैक टू इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच, भावनाओं में बह गया मैं। मैच के बाद भाई बहुत लोगों को समझ में नहीं आया कि बांग्लादेश के नूरुल हसन ने फेक फील्डिंग के लिए विराट कोहली को क्यों एक्यूज कर दिया। बेसिकली विराट भाई ने ऐसे नकली थ्रो मारा था, इन शॉर्ट चूतिया बनाया था, इधर इधर इशारा कर दिया था, पर वो रन कंप्लीट हो चुका था तो किसी को भी डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था उस चीज के कारण। भाई साहब पूरे बांग्लादेश पूरे पाकिस्तान वाले इस चीज को लेके बैठ गए, कहने लगे आईसीसी का फुल फॉर्म चेंज करके इंडियन क्रिकेट काउंसिल कर दो भाई हमको क्या है। पर मेरे दोस्त नूरुल हसन भाई जिम में वेट उतना ही उठाओ जितना उठा सको और कंट्रोवर्सी उतनी करो जितनी सहन कर सको, पड़ गई ना बकचोदी भारी। लेटेस्ट न्यूज में आया है कि नूरुल हसन माइट गेट सेंशन बाय आईसीसी फॉर एक्यूजिंग विराट कोहली ऑफ फेक फील्डिंग, नो बांग्लादेशी प्लेयर गॉट डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ विराट कोहलीज एक्ट। भाई ये पाकिस्तान के चक्कर में मत रहा करो नूरुल हसन भाई, इनको तो उड़ता तीर लेने की आदत है, तुम कहाँ पड़ गए बीच में, पड़ गए ना लेने के देने। हमको तो पाकिस्तान वालों ने बोला था विराट पर इंजाम लगाने का, कहके कि 150 रुपए देंगे तेको, पर बाद में पता चला इनके खुद के पास 150 रुपए नहीं है, उतने में तो 2 PSL ऑर्गेनाइज कर देते हैं ये लोग भाई। पर ये अच्छा हुआ कि केएल राहुल भाई सही समय पे फॉर्म में आ गए, वरना अश्विन अन्ना की अत्ता माजी सटकली हो गई थी, उन्होंने बोल दिया था कि नेक्स्ट मैच से तू रहने दे भाई मैं ओपनिंग कर लूंगा। क्या रन मारे भाई साहब, लास्ट ओवर में विराट कोहली सेट होके नॉन स्ट्राइकर हैंड से अश्विन अन्ना की बैटिंग देख रहे थे, इससे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है किसी के लिए। वैसे यार एक बात तो बांग्लादेश वालों ने हमारे वर्ल्ड कप टाइटल के सपने को सीधे एलिमिनेशन सब दिखा दिए थे, 6 ओवर बाद तो ऐसा लग रहा था भाई साहब ये हो क्या रहा है। लिंटन दास नागिन से कब एंडाकोंडा बन गई तू, वो तो शुक्र है केएल राहुल भाई का, केएल राहुल भाई ने बोला मैंने बड़ी मुश्किल से 50 मारी है, ये क्रेडिट किसी बैन के टके को ले जाने नहीं दूंगा, और रनआउट कर दिया लिंटन दास को, और रनआउट भी कहां से किया भाई, सीधे बाउंड्री रोप से। एक तो भाई पाकिस्तान वाले ये बेचारे गोलू मोलू एम्पायरों के एरोन फिंच पर इंजाम लगा रहे हैं कि ये बिका हुआ है भाई साहब, भाई हम थोड़ी जानते हैं यार इसको, अभी अभी वर्ल्ड कप में मिला है हमको भी, हमारा कोई भी प्लेयर इसके आसपास भी नहीं जाता। यूजी भाई प्लेइंग 11 में है ही नहीं ना, मतलब यार ये यूजी भाई मरवाएंगे। एक तो भाई इस पिक्चर में देखो तुम शर्मा जी का सेम वही रिएक्शन है जो 3 Idiots में आमिर खान का था। More or less complex, consisting of a combination of... दिनेश कार्तिक के रनआउट होते ही बांग्लादेशी प्लेयर खुशी से नागिन डांस करने लगे, पर उतने में आए अश्विन अन्ना जिन्होंने मात्र 6 गेंदों में इनका झाड़ू डाल के मोर बना दिया नागिन से। सुनने में आया कि शकीब अल हसन ने लड़ते लड़ते खींच दिए एम्पायर के गाल, कहा अले ले ले सो क्यूट, गलत है भाई। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश गोइंग होम फ्रॉम वर्ल्ड कप, very nicely described me. Bangladesh, India, Pakistan. पाकिस्तान, पता नहीं ऐसी डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश ड्यूरिंग रेन, गेम चेंजर ब्रो, यही से तो गेम पलटा था माही भाई के कारण। विराट कोहली वॉचिंग अश्विन अन्ना बैटिंग इन द लास्ट ओवर। भाई अश्विन अन्ना को क्या हो गया था, मतलब ओपनर बनना है क्या अश्विन अन्ना। शाकिब अल हसन टू देयर फैंस, हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट, हमारा ये टारगेट है, हमारा टारगेट है हम नहीं जीते, नहीं जीतेगा हम। इंडियन बॉलर्स बिफोर रेन,
इंडियन बॉलर्स आफ्टर रेन। मुझ पे हो गया। एवरी पाकिस्तानी आफ्टर इंडिया वर्ल्ड कप मैच बीसीसीआई चीटिंग, आईसीसी चीटर, अंपायर चीटिंग, कोहली स्प्रिंग, अनुष्का ब्लैक, सब चीटर है पाकिस्तान वालों। एंड यार बोल भी कौन रहा है, मतलब फिक्सिंग का बोल भी कौन रहा है। दिस पीपल प्रूव्ड दैट एज, वेट, परफॉर्मेंस, कलर डजंट मैटर। बहुमा भाई और बाबर आजम क्या इनिंग्स खेली है भाई। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट तो कैच नहीं पकड़ रहे थे, अब यहाँ बाउंड्री से डायरेक्ट हिट हो रहा है, सब होगा अभी तो बाबर भाई, वेट तो करो। 30 अक्टूबर 2 नवंबर, माफ कर दू इन्हें बाबर आजम। अरे यार बाबर भाई क्या तुम भी। अनुष्का शर्मा एंड आतिया शेट्टी आफ्टर द मैच, ओ भाई दोनों के उन्होंने 50 मारी है। मी गोइंग टू स्लीप नोइंग दैट इंडिया इज द ओनली टीम दैट हैज वॉन 3 मैचेस इन द वर्ल्ड कप। पाकिस्तान जली ना। इंडियन टीम एंड फैंस राइट नाउ बी लाइक, काले मेघा थोड़ी देर रुक जाओ। ये तो पता था भाई कि अगर बारिश रुक गई ना तो मैच हम लोग जीतेंगे, क्योंकि पावर प्ले के बाद भाई नहीं खेल पाते ये लोग। देख लेना विनोद कैसे मैच के बाद पूरा इंडिया नागिन डांस करेगा। द फास्टेस्ट थिंग ऑन अर्थ, चीता, एयरप्लेन, स्पीड ऑफ लाइट, रोहित शर्मा बैक टू पवेलियन आफ्टर स्टार्ट ऑफ इंडियन इनिंग्स, अश्विन अन्ना टू दिनेश कार्तिक, जल बाट ये डीके, आपके फिनिशिंग वाली इनिंग्स में खेल लूंगा। बीसीसीआई एंड इंडियंस टू पाकिस्तानी एंड बांग्लादेशी, हाँ अपुन ने चीटिंग किया, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, सही बात है भाई, अब कब तक इनको समझाएं। पाकिस्तानीज, इंडिया गिव मनी टू एम्पायर्स बांग्लादेश प्लेयर्स, इंडियन टू पोर्कीज, कमाओ भोसड़ी। हाँ भाई अगर तुमको लगता है हमने चीटिंग करी, आईसीसी को खरीद लिया है, तुम भी कमाओ ना भोसड़ी के। Nobody had a problem when Zimbabwe were playing South Africa in pouring rain. Suddenly everybody have a problem with Indian playing. India team से सबको problem है भाई। विराट कोहली, empire, हाँ बहुत बड़ी wide है, अबे अपने फील्डर को बुला रहा था। ओ, अब तो इंडियन भी मीम बनाने लग गए भाई हमारे लेके। How girls share their expenses? 15-15-15-15. How boys share their expenses? ये तो भाई राहुल द्रविड़ और सहवाग वाली ओपनिंग लग रही है। पाकिस्तान अभी भी सेमीफाइनल में आ सकता है, कैसे? मैच देखने। तो बस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी दबाई मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो, और इस भाई को तो भूलने का इच्छा नहीं है ब्रो।